रंगों का नहीं वस्त्र, ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीयों के दिल का यही तो स्वाभिमान है। नमस्कार माननीय महोदय, मैं आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा विनीता तिवारी आपके समक्ष अकीर्तिय स्वतंत्रता सेनानी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में कुछ शब्द प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह MPC के भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। वह स्वतंत्र भारत में महावीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे। स्वतंत्र भारत में पहले महावीर चक्र में उनको ही मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। साल 1947 त्रासदियों से भरा रहा। सदी सबसे बड़ी त्रासदी विभाजन थी। विभाजन का दुख दूर नहीं हुआ था कि 21 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। 1947 में हमला के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह को भारत से मदद मांगनी पड़ी। भारत मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने उनके समक्ष एक शर्त रखी, वो थी विलय। लेकिन हरि सिंह कश्मीर को हमले से बचाना चाहते थे, तो वह इस शर्त को तैयार हो गए और उन्होंने दस्तावेज पर समझौता करने के बाद भारत से पाकिस्तान को पाकिस्तानी कबालियों को खदेड़ने के लिए कश्मीर से एक सेना भेजी गई। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर आर्मी के प्रमुख अधिकारी थे। कश्मीर को कबालियों से बचाने के लिए उनकी अहम भूमिका है। जब पाकिस्तानी कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया तो वहां के राजा हरि सिंह ने सेना को रोकने के लिए राजेंद्र सिंह जी को आदेश दिया। 150 सेना और बहुत कम हथियार के बाद भी उन्होंने 4 दिन तक सेना को रोके रखा, जिससे वहां के कश्मीर के राजा हरि सिंह को मौका मिल गया कश्मीर भारत में कश्मीर को विलय करने का और भारतीय सेना मदद के लिए तैयार हो गई। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने हमले से कश्मीर को बचाने के लिए जो बहादुरी का परिचय दिया है वह बेमिसाल है। लगातार गोलीबारी से वह पूरी तरह घायल हो गए थे और फिर भी वह दुश्मनों से लड़ते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी और कबालियों को रोके रखा। सन 27 अक्टूबर 1947 में वह शहीद हो गए। आज भी कश्मीर के लोगों के समक्ष वह कश्मीर के रक्षक के नाम से जाने जाते हैं। चलो आज वो नजारा याद करें, चलो आज वो नजारा याद करें, शहीदों के दिल में वो ज्वाला याद करें, शहीदों के दिल में वो ज्वाला याद करें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद करें, देशभक्तों के खून की वो धारा याद करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।